किताब लिखा अपने फिल्म मेकिंग को लेके, किस पहलू पर हुआ और क्या प्रेरित किया आपको ये किताब लिखने के लिए? फिल्म निर्माण को ही पूरे संपूर्ण सब्जेक्ट को लेके इस किताब को लिखी गई है, और किसने प्रेरित किया तो हमारे निर्माताओं ने प्रेरित किया, जो जिन निर्माताओं की वजह से ये कि पिक्चरें अटक गई, पूरी नहीं हुई। 30-35 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, 30-35 साल में कई ऐसे निर्माता आए जिनकी खाली शूटिंग हुई, सेंसर में अटक गई, सेंसर हुआ, रिलीज नहीं हुई, और आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है स्टार कास्ट या किसी को भी, किसी की बहुत सारी फिल्में अभी भी अनसेंसर्ड पड़ी हुई या किसी न किसी कारण से रुकी हुई। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारे किसी भी निर्देशक प्रोड्यूसर को, निर्माता को सही तरीके से शुरू में नहीं बताई जाती, और वो गलतियाँ हमने भी की, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो पहलू अनछुआ रह जाता है किसी न किसी कारण से, और सिवाय निर्माता के हर आदमी इस इंडस्ट्री का होता है जो इस फिल्म में काम करता है, सिनेमा में काम करता है, लेकिन एक निर्माता ही ऐसा शख्स है जो बाहर से आता है, बाहरी रहता है, जबकि वो रीढ़ की हड्डी है फिल्म की। इसीलिए देखिए, आप कुछ घरानों को छोड़ दिया जाए जो रेगुलर फिल्में बना रहे हैं, वो घराने, उन घरानों के अलावा 44,000 निर्माता रजिस्टर्ड हैं हमारे एसोसिएशंस में, लेकिन क्या 44,000 पिक्चरें मिलती हैं? 4 साल में मिल जाए या 5 साल में मिल जाए, एक दशक में मिल जाए 44,000 फिल्में नहीं मिलती। कारण क्या है? आखिर वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो निर्माता करते क्या हैं? तो बेचारे डूब चुके हैं, उनको नज़र में रखते हुए किताब लिखी गई थी। जब लिख रहा था तब ये नहीं पता था कि मैं कोई अजूबा काम कर रहा हूँ, लिखने के बाद मुझे पता चला कि मैं हिंदुस्तान का पहला इंसान हूँ जिसने इस सब्जेक्ट पर किताब लिखने की कोशिश की, और एक सुंदर सा गुलदस्ता तैयार। पहली बार कोई किताब लिख रहे हैं या पहले भी आपने कोई किताब लिखी किसी विषय पर? हाँ, इसके पहले एक किताब और लिखी थी इसी सब्जेक्ट पर इंग्लिश में, दैट वॉज फिल्म मेकिंग, और पब्लिक डिमांड पे इसको हिंदी करना पड़ा मुझे, और उसमें जो चीज़ें कमियाँ रह गई थी क्योंकि वो पहली किताब थी मेरी, उसमें कई पहलू अनछुए रह गए थे, उनको भी इस बार पूरा किया। तो इस बार सबसे जरूरी कौन सा पहलू है जिस पे आपने फोकस किया है फिल्म निर्माण पर जो किताब में? हर पहलू अपने आप में, जैसे आप सब्जी बनाते हो तो हल्दी, नमक, मसाला, मिर्च सब कुछ डालना पड़ता है ना, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डालना पड़ता है, अगर उसमें कुछ भी कम रह गया तो क्या होगा? ना आप खा पाओगे ना फेंक पाओगे। तो ऐसे ही हर पहलू अपने आप में वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कोई भी अपने आप में वो एक सब्जेक्ट इतना है कि एक किताब उन सब्जेक्ट्स पर लिखी जा सकती है, चैप्टर्स पर एक किताब लिखी जा सकती है, और शायद कुछ चैप्टर्स पर तो किताबें अवेलेबल भी हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब जैसे सिनेमाटोग्राफी, यू हैव अ हेल ऑफ अ बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं, डायरेक्शन पे भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन इन ऑल क्लब टुगेदर एक भी किताब। सर, जानना चाहूँगा कि इस तरह से मतलब जो किताब आपने लिखा है तो किस तरह के लोगों को, जो फिल्म निर्माण में जाना चाहते हैं, या आप लोगों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि क्या बेसिकली होता है फिल्म निर्माण, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट में रहते हैं। ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री और नए निर्माताओं के बीच के पुल का काम करेगी ये किताब। दूसरा ये है कि अगर कोई पढ़ता है तो एक जानकारी भी हासिल करेगा कि फिल्म क्या है, क्योंकि इसमें मैंने फिल्म का इतिहास भी रखा है, जो जिस चीज़ पे अभी जैसे आप जाते हो कि कोई कपड़ा, मामूली कपड़ा खरीदने जाते हो बाज़ार में, तो पूरी थ्योरी उसकी निकालना चाहते हो कि क्या है, कितने दिन चलेगा, कितना कीमत है, कि कौन कौन पहनता है, ब्रांड वैल्यू क्यों आप ढूंढते हो, वही यू लुक फॉर ब्रांड, ब्रांडेड है, जबकि टेक्सटाइल मिल तो वही है ना, यान वहीं से निकला है, एक ही जगह से, लेकिन वही अगर डावर बना दिया तो इट्स अ ब्रांड, लाइफस्टाइल ने बना दिया तो इट्स अ ब्रांड, और वही एक हॉकर है जो बेचारा टेलर है, उसने शर्ट बनाई तो उसकी कीमत कम हो जाती है, क्यों भाई? यही डिफरेंस है इसमें। सर, जानना चाहूँगा कि आप लोगों को
क्या अनुभव करना चाहना चाहूँगा आपने जब शुरुआत की क्षेत्र में तो क्या चुनौती थी और कैसे शुरुआत की थी आपने लेखक के तौर पर या सिनेमा के तौर पर? लेखक के तौर पर तो कोई खास चुनौती नहीं थी क्योंकि मैंने लेखक था ना, लेकिन लेखक बना कैसे? बिकॉज आई वॉज ए स्क्रीन प्ले राइटर बेसिकली। बाबूदा जी का बड़ा एहसान है मुझ पर और उनसे ही मैंने सीखा। कहानियाँ लिखते लिखते कब किताब लिखने लगे पता नहीं चला। ऑब्स्टिकल मेरी नज़र में तो वो है भाई कि जो बेसिकली जो अट्रैक्शन ऑफ द फील्ड है, द ग्लैमर इज द मोस्ट द फेमस ऑब्स्टिकल फॉर दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ग्लैमर ही अट्रैक्ट करती है लोगों को इस इंडस्ट्री की तरफ और ग्लैमर ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। देखिए प्रोफेशनलिज्म आप किसको कहते हैं, व्हेन इट इज़ नॉट, आपकी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज तो है नहीं एज एन इंडस्ट्री। जब रिकॉग्निशन ही नहीं है एज एन इंडस्ट्री तो वेयर द प्रोफेशनलिज्म लाइज। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम इसको जो सबसे आवश्यक चीज़ है शिक्षण, उसको महत्व नहीं देते। अशिक्षित लोग भी सोचते हैं कि हम कर लेंगे, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो पहले तो गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे। अगर ऐसे करना है तो ठीक है, फाइन, कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक, किसी भी बिजनेस की एक एथिक होता है, वो उससे आप मिसिंग रहेंगे तो आप कैसे पूरा करेंगे? सर्कल वोंट बी कम्प्लीट। मैम आप पॉजिटिव जो किताब है, मतलब पहले कितना पॉजिटिव पहल है सर की तरफ से, क्योंकि बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन होना किसी भी क्षेत्र के लिए और एक माध्यम है कि हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किताब पढ़ के, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। एंड अबाउट दिस बुक, कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर उदय सेनापति जी। इस बुक के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट्स कम्प्लीटली अ पैकेज फॉर एवरी न्यू कमर, जो ये सोचता है, जो थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है, जो ये सोचता है कि आगे क्या, यू डोंट नो, तो यू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू इट। एंड ये एक पाथवे है टू बी अ प्रोड्यूसर, एज ही सेड, लाइक यू वुड नो कि आपको एक्चुअली किस लाइन और किस तरफ जाना है, तो कुछ मिसगाइड नहीं होगा आपको, कोई मिसकंसेप्शंस नहीं मिलेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स। सो इट्स अ क्लियर पाथवे। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ इस बुक को रीड करिए, यू वुड कम टू नो, काफ़ी लाइफ शॉर्ट हो जाती है, बिकॉज कोई अगर आपको उंगली पकड़ कर राह दिखा रहा है तो अच्छी बात है, हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। येस डेफिनेटली, एक्चुअली मैंने शुरुआत ही बहुत लेट की है, बट जो देर है दुरुस्त है, इट्स लाइक दैट। सो आई वुड से कि इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट ऑलवेज। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी अपने आप को स्टैंड करिए, तो आपको हमेशा एक चैलेंज नज़र आता है, बट सिंस यू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड मूव फॉरवर्ड, तो ये मज़ा भी आता है, बिकॉज ये आपका पैशन है। तो चैलेंजेस तो सबको मिलते हैं और हर फील्ड में मिलते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली दिस इंडस्ट्री, बट हर फील्ड में मिलते हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड बी गुड। आई थिंक आप पॉजिटिव रह के हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आगे भी पॉजिटिविटी ही मिलती है। डेफिनेटली प्रीवियसली अभी मैं हमने सर के साथ मूवी स्टार्ट की है जिसका नाम है जोरा बाई। सो उसमें मैं जो मेन लीड है उसकी मदर का रोल प्ले कर रही हूँ। एंड इट्स अ वंडरफुल पैकेज आई वुड से, जिसमें आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ वुमेन मिलेंगे, लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ अ वुमेन। यू वुड अंडरस्टैंड के हाउ हर तरीके से, हर पहलू से एक वुमेन अपनी ज़िंदगी जीती है। सो ये पूरा एक ही कॉन्सेप्ट में आपको नज़र आएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है मेरे लिए एंड थैंक यू टू उदय जी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मैं इस चीज़ को निभा सकूँ। आप बताइए बशीर जी, मुझे कहना चाहिए सर किस किताब के बारे में, जो मतलब नॉलेज के लिए फिल्म में इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन सर, इनके लिए ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और इस किताब का मतलब
गाइडेंस मिलेगी इससे. तो मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि उदय जी ने सर ने ये ऐसा एक चीज़ आगे रखी है सबके लिए. बहुत तो अभी इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, जल्दी आती हैं, मतलब She is Mrs. Malaysia, for your kind information. Yeah, she has come from Malaysia. Actually, future planning, just I want to be work in Bollywood. You must have started looking for work. What is the challenge you want to do? I want to be an actor. It's just a start. I'm not talking zero. What are the challenges you are facing? What are the challenges you are facing? What are the challenges you are facing? माहौल ऐसा हम ये नहीं कहते माहौल कैसा है, ये तो एवरी डे का एक चैलेंज है एक पर्सन के लिए. मेरे लिए भी ये एक न्यू चैलेंज है. ये मैटर नहीं रखता कि मैं वहाँ से मिस मलेशिया बन के आई हूँ, इंडस्ट्री में आई हूँ, बट यहाँ पर भी मुझे एक नॉर्मल पर्सन से लेकर ऊपर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे भी. और मुझे उदय सर ने चांस दिया है, मैं इनकी मूवी में काम कर रही हूँ. आई होप आई डू माई बेस्ट. थोड़ा जोर से, नहीं तो माइक कैच नहीं करेगा. नहीं आवाज़ आ जाएगा, आवाज़ आ जाएगी. हाँ जी, पहले मैं पहले तो अपने सर उदय सेनापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने इंटरव्यू दे रही हूँ. और सर ने जो किताब लिखी है वो उन्हें जो आजकल के यंग एज के लोग आते हैं मुंबई में कुछ करने के लिए, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो भटकते रहते हैं बहुत, यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन वो मूवी मेकिंग का काम नहीं कर सकते. तो सर ने ये जो किताब लिखी है ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बहुत है. सर ये आजकल है कंपनी लेती हैं फिल्में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि हम मार्केटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और प्रोडक्ट के बारे में जब बनाया जाता है व्हेन इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ अ फिल्म, कोई ये दिखाता ही नहीं है. कागज़ पे दिखा देते हैं कि इंडिया में इतनी टेरिटरीज हैं, इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा है, इतनी टेरिटरीज में आपको इतना इतना पैसा आएगा तो आपकी पूरी रिकवरी हो जाएगी. लेकिन जब मार्केट में प्रैक्टिकल आते हैं तो उसमें त्रुटियाँ निकाली जाती हैं कि आपकी फिल्म में स्टार नहीं है, आपकी फिल्म में स्टोरी नहीं है, आपकी फिल्म में ये प्रॉब्लम है, आपकी फिल्म में वो प्रॉब्लम है. पैसा रिकवर होने की कोई गारंटी कहीं कोई नहीं लेता है एक्सेप्ट फ्यू बिग बैनर्स. तो यहाँ मोनोपोली और जो बिजनेस ट्रेड की जो रियल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी वो भी आपके इसमें है. इट्स देयर इन दिस बुक. अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एंगल और हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है. और कॉर्पोरेट्स दे हैव मेड द पाथ बिट ईजियर. कॉर्पोरेट्स के आने की वजह से थोड़ी आसानी हुई है, लेकिन कॉर्पोरेट्स हु आर ऑल द कॉर्पोरेट्स आर ये जानना भी बड़ा मुश्किल तरीका है. पहली बात तो हमें यही नहीं पता होता कि विच ऑल कॉर्पोरेट्स आर इन्वॉल्व, और अगर हैं तो मात्रा हमारे यहाँ जैसे स्ट्रेंथ है, जो पावर है हमारी मैन पावर, वो वीकनेस बन गई है. जो कॉर्पोरेट हमेशा कॉर्पोरेट कभी भी बिजनेस करता है तो कॉर्पोरेट हमेशा उसको इकोनॉमिकली तौलता है कि व्हाट इज़ द रिटर्न आई एम गोइंग टू गेट. क्योंकि यहाँ चीज़ जो प्रोडक्ट है इट लाइज इन अदर्स हैंड, जबकि हर प्रोडक्ट कस्टमर्स के फेवर में ही होना चाहिए, फेवर्स का ही होना चाहिए. लेकिन ये जो क्लाइमेट इज नॉट नेसेसिटी इन लाइफ, ये जिंदगी की आवश्यकता तो नहीं है, इसीलिए इसमें दिक्कतें और बढ़ जाती हैं. फाइनेंस के अलावा उसको ज्ञान होना जरूरी है कि मेरी फिल्म में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर नहीं है तो कहाँ से उपलब्ध होगी. ये जानकारी जब तक उसके पास पूरी नहीं है तब तक वो हमेशा मार्गभ्रमित रहे. और इस पिक्चर्स इसीलिए अगर मैं एक लाइन में अपनी किताब को डिस्क्राइब करूँ तो ये निर्माताओं की सही मार्गदर्शिका है.
बता सकिए जैसे मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन जो खुले हुए हैं, फिल्म प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिल्म डायरेक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेंटोर्स रख रहे हैं, सेलिब्रिटी मेंटोर्स रख रहे हैं, ये सब जो चीज़ है कि कहाँ तक करने के पहुँचते हैं आप? इट्स डिफरेंट फील्ड इट सेल्फ. एजुकेशन हमारे यहाँ तो हमेशा ही फ्रीलांस रहा. यू हैव अ प्लेंटी ऑफ चॉइस कि आप किसके इंस्टीट्यूट में सीखोगे, कहाँ सीखोगे. और ये अलग अलग विधाएँ सिखाते हैं, लेकिन ये लोग फिल्म निर्माण नहीं सिखाते. यू डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसर्स. तो उनका डिवीज़न ही अलग है, उनका रूप ही अलग है, उनका कार्य क्षेत्र ही अलग है. और इस कार्य क्षेत्र को अनछुए कार्य क्षेत्र पर हमने काम किया है और हम चाहते हैं कि लोग जाने. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.